सर्वजातीय सम्मेलन रैली में कांग्रेस की फूट आई सामने। कांग्रेस के सर्वजातीय सम्मेलन रैली में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ मंच पर नहीं पहुंचा पार्टी का कोई स्थानीय वरिष्ठ नेता। कांग्रेस पार्टी में नई शामिल हुई कांग्रेस नेत्री दूसरेपुर की सरपंच सीमा रानी द्वारा सर्वजातीय सम्मेलन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को बुलाया गया था। रैली में अशोक तंवर के साथ स्थानीय कांग्रेस का कोई भी नेता मंच पर नहीं था, और जो यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी में फूट किस हद तक है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की रैली हो और स्थानीय कोई भी नेता रैली में मंच पर ना हो। कांग्रेस के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं में पूर्व संसदीय सचिव दिल्लू राम बाजीगर, फूल सिंह खेड़ी, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं SC/ST आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह का ना शामिल होना कांग्रेस की आपसी फूट दर्शाता है, जिसे यह साफ जाहिर होता है कि इन दिनों कांग्रेस किसी अन्य पार्टी से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं से लड़ रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी स्थानीय कांग्रेसी नेता एक ही स्थान पर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की रैलियां कर चुके हैं, जिसमें स्थान वही होता है, पार्टी वही होती है, परंतु नेता अलग होता है। जब इस बारे में अशोक तंवर से प्रश्न पूछा गया तो अशोक तंवर ने टाल मटोल करते हुए यह जवाब दिया कि सभी नेता अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे, इस कारण से इस रैली में नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर अशोक तंवर ने प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में फूट पर कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को अब एक होना होगा। वहीं अशोक तंवर हुड्डा और उनके समर्थित MLA पर भी कटाक्ष करने से भी नहीं चुके। अशोक तंवर ने कहा कि हुड्डा और उनके समर्थित विधायक कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य पाट के लिए लड़ रहे हैं। पत्रकारों ने जब अशोक तंवर से पूछा कि हुड्डा और उनके समर्थित विधायकों द्वारा आए दिन बयान आ रहे हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि वह लोग यह बताएं कि जो यह 14 विधायक प्रदेश में जीते हैं, यह किसके नेतृत्व में जीते हैं और बाकी अन्य विधायकों की हार किसके नेतृत्व में हुई है। पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार प्रदेश को जलाया और जलवाया, दोनों काम किए, और सरकार केवल देखती रही, खट्टर साहब मुख्यमंत्री आवास पर सोते रहे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पृष्ठभूमि में लगातार कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वो यही कांग्रेस की विचारधारा है कि हम सबको साथ लेकर के सभी जाति सभी धर्म छत्तीस बिरादरी एक होकर के हम प्रदेश में शांति रखें, और जब शांति होगी तभी इन्वेस्टमेंट आएगी, तभी उद्योग धंधे लगेंगे, तभी हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को फसल का उचित मूल्य मिलेगा, कर्मचारी माताएँ बहनें सुरक्षित रह सकेंगी। तो इसलिए एक अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होने चाहिए, और साथ साथ जहाँ सर्वजातीय सम्मेलन में हम सर्वजाति पूरे हरियाणा को एक करने की बात कर रहे हैं, वहीं हमें खुद भी ये संकल्प लेना है सब लोगों को मिलकर के।